नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम यहाँ पर क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सेट जो है उसकी डेफिनेशन, और हम क्या करेंगे आगे आगे जिस चैप्टर में चलते चलेंगे जो भी एक्सरसाइज होगी उससे रिलेटेड जो भी हमारे पास बेसिक जानकारियां होंगी, बेसिक इंफॉर्मेशन होगी उससे रिलेटेड, वो मैं सब यहाँ पर आपको बताते चलूंगा। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं सेट्स, सेट्स क्या होते हैं। तो आपने ध्यान दिया होगा आपकी क्लास में, ठीक है, जो बेंचे हैं, है ना, आप आपकी कक्षा में कुछ बेंचे रहती हैं, उनके कुछ सेट्स रहते हैं। ठीक है, उनका जो भी कलेक्शन है वो क्या कहलाता है? सेट्स कहलाता है। आपके बैग में जो नोटबुक्स रहती हैं, ठीक है, उनका जो कलेक्शन है वो भी क्या है? एक सेट कहलाता है। तो प्यारे छात्रों, सेट क्या होता है उसकी डेफिनेशन इस प्रकार है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। ठीक है, तो जो हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? हमारे पास सेट कहलाता है। ठीक है, तो हमें समझ में आता है कि ये कलेक्शन क्या है। ठीक है ना, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो हमें पता है क्या होता है ना, लेकिन ये वेल डिफाइंड क्या होता है वो हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो जैसा कि आपको मालूम ही है कि अगर मान लो हम क्या करते हैं, मैंने बोल दिया कि एक से लेके 10 तक जो नंबर्स हैं उनका कलेक्शन आप करें, ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड है ना। एक से लेके 10 तक जितने भी नंबर्स है, 1 to 10 जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, उनका अगर हम कलेक्शन करते हैं तो जो कलेक्शन होता है वो क्या होता है? वेल डिफाइंड होता है, क्योंकि हमको मालूम है उसमें क्या क्या होगा। उसमें होगा 1 होगा, उसमें होगा 2 होगा, उसमें 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये इतने नंबर उसमें होंगे, लेकिन ये हमारे पास वेल डिफाइंड है कि उसमें कितने नंबर होंगे? 10 नंबर होंगे। लेकिन अगर मैं वहीं पर बोल देता हूं क्या कि एक से लेकर 10 तक के किन्हीं भी 4 नंबर्स का कलेक्शन, तो देखिए बेटा यहाँ पर कोई भी 4 कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास होगा 1, 2, 3, 4, ठीक है, वो हो सकता है 2, 4, 6, 8। तो एक बात बताइए मुझे, ये वेल डिफाइंड है क्या? जो मेरा दोबारा बात वाला जो स्टेटमेंट है वो वेल डिफाइंड है क्या? नहीं है। 4 मैंने बोला है, उसमें से कौन से 4 हो सकते हैं? कोई से भी 4 हो सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, हम बोल देते हैं आपकी कक्षा के जो मोस्ट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उनका कलेक्शन आप लिखिए। ठीक है, तो वो वेल डिफाइंड नहीं है। लेकिन अगर मैं बोल देता हूं कि पिछले साल आपकी कक्षा में जो और स्टूडेंट्स थे जिनको सबसे ज्यादा अंक मिले थे, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स जिन्होंने आए थे, आप उनका कलेक्शन बनाइए। ठीक है, कर लेंगे आप। अगर मान लो आपके जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट्स हैं, एक को मान लो 100 मार्क्स आए थे, ठीक है, एक को आए थे 99, फिर 99, फिर 98, फिर 97, है ना, तो आप क्या करेंगे उसमें से? इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये 4 नंबर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? वेल डिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो आपको डिफाइंड, सॉरी, वेल डिफाइंड में और नॉन वेल डिफाइंड में अंतर करना है, आ गया होगा। ठीक है, हम एक काम करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे और देख लेते हैं, उससे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जो वेल डिफाइंड है और नॉन वेल डिफाइंड क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हम और दे देंगे। तो यहाँ देखिए, मैंने 3 एग्जाम्पल यहाँ पर दिए लिख रखे हैं। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ डेज इन अ वीक। हमको मालूम है एक वीक में अगर हम किसी से पूछते हैं, ठीक है, किसी भी से भी पूछते हैं, कोई भी छात्र से या किसी से भी हम पूछते हैं, तो भैया एक वीक में कितने दिन होते हैं, तो वो 7 डेज बताएगा। और अगर हम उससे पूछते हैं भैया वो 7 डेज कौन कौन से हैं, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, तो ऐसे करके 7 के साथ डेज हमको बता देगा। ठीक है, किसी से भी पूछ लो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर जो है
किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अर्थात पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है, उन डेज का जो नियम है वो चेंज नहीं हो रहे हैं, ठीक है, वो हमको 7 डेज बताएगा, है ना, क्या वो हमको बता देगा भैया 7 डेज है, संडे है, मंडे है, ट्यूजडे है, वेडनेसडे है ना, थर्सडे है, ठीक है, फ्राइडे है, और फिर उसके बाद सैटरडे, तो ये 7 डेज है, ठीक है, तो और किसी से भी पूछो उन सबके लिए यही डेज होंगे, ठीक है। उसके बाद हम पूछते हैं द कलेक्शन ऑफ अ लेटर ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, तो जो मैथमेटिक्स है उसमें जो लेटर्स हैं उनका कलेक्शन क्या है, कोई इनसे अगर हम पूछेंगे तो सर ये एक चीज बताएंगे भाई कि उसमें एम है, उसमें ए है, ठीक है, उसमें टी है, ठीक है, उसमें एच है, उसमें ई है, उसमें एम पहले बता चुके, ए पहले बता चुके, टी पहले बता चुके, उसमें आई है, ठीक है, उसमें सी है, उसमें एस है, तो ये वाले जो लेटर थे इन लेटर्स से ये जो मैथमेटिक्स है, इस मैथमेटिक्स में ये जो लेटर्स है इन्हीं लेटर्स से मैथमेटिक्स बना हुआ है। किसी से भी आप पूछोगे कि मैथमेटिक्स जो है, ठीक है, वो किन लेटर्स का कलेक्शन है, तो वो यही बताएगा, इसके अलावा कोई दूसरा बताएगा नहीं, है ना, मतलब कहने का तात्पर्य जो दोनों वाले जो एग्जाम्पल है हमारे ऊपर ये क्या है, वेल डिफाइंड एग्जाम्पल है, ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक है। नीचे वाला देखेंगे हम द कलेक्शन ऑफ द 3 गुड स्टूडेंट इन द क्लास, अब एक क्लास में 3 अच्छे बच्चों का अच्छे छात्रों का कलेक्शन, तो भैया बच्चे तो सभी अच्छे होते हैं, केवल 3 कैसे निकाल लेंगे उनमें से, है ना, अर्थात किसी को भी ढूंढोगे तो 3 जो अच्छे बच्चे हैं सबके लिए अलग अलग क्राइटेरिया होता है, ठीक है, तो ये जो 3 बच्चे हैं, ठीक है, इसे अब 3 अच्छे बच्चे निकालोगे, है? क्योंकि उसमें सारे अच्छे बच्चे हैं, आप सारों को ही लेना पड़ेगा अपने को, 3 उसमें से हम अच्छे या बहुत अच्छे हैं वो निकाल नहीं सकते, ठीक है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, कि वो 3 बच्चे कौन से होंगे, है ना, अच्छे तो बोल रहा है वो, लेकिन वो 3 अच्छे बच्चे कौन होंगे ये डिफाइन नहीं कर पा रहा है, तो ये जो स्टेटमेंट है जो 3rd नंबर का स्टेटमेंट है ये हमारा वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड इनमें आपको डिफरेंस करना आ गया होगा, है ना। अब हम आगे जो है सेट्स में आगे की जो कार्रवाई है कि सेट्स को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है, इसको डिनोट कैसे करेंगे वो हम यहाँ पर सीखेंगे। चलिए अब यहाँ पर जो देखने वाले हैं वो एक ये है कि सेट्स में कुछ नियम होते हैं, ठीक है, वो हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि क्या किस प्रकार से होते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हियर वी हैव टू फोकस ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 क्या है, ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स कंपोनेंट्स एंड मेंबर आर सिनोनिम्स फॉर अ सेट, ठीक है, अर्थात यहाँ पर ऑब्जेक्ट एलिमेंट कंपोनेंट और मेंबर ये चारों एक ही चीज है, किसी भी सेट के लिए ये चारों एक ही चीज है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, किसी भी सेट के लिए आप कहीं पर ऑब्जेक्ट्स का उपयोग कर सकते हो, एलिमेंट्स का अपने वर्ल्ड में, ठीक है, जो आप उसको बोलते हैं उसके लिए आप ऑब्जेक्ट्स का उपयोग कर सकते हो, एलिमेंट्स का उपयोग कर सकते हो, कंपोनेंट्स का उपयोग कर सकते हो, मेंबर्स का उपयोग कर सकते हो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, यहाँ लिख देते हैं अपन कोई सेट है, ठीक है, उसमें हमारे पास 2, 4, 6 और 8 ये हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, तो ये जो हमारे पास सेट है ये 4 नंबर का कलेक्शन है, ठीक है, ये कलेक्शन है ना, इस कलेक्शन में ये जो 2 है इसको हम चाहे तो ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं, इस 2 को हम चाहे तो एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, इस 2 को हम चाहे तो कॉम्पोनेंट भी बोल सकते हैं, इस 2 को हम चाहे तो मेंबर भी बोल सकते हैं, तो ये जो सेट है इस सेट का मेंबर क्या होगा, 2 होगा, इट्स सेट का जो एलिमेंट है वो क्या होगा, 4 होगा, इस सेट में कोई कंपोनेंट है वो क्या है, 6 है, इस सेट में कोई ऑब्जेक्ट है वो क्या है, 8 है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट एलिमेंट कंपोनेंट और जो हमारे पास है मेंबर ये चारों क्या है, एक ही चीज है, किसी सेट के लिए ये अलग अलग नहीं है, ठीक है, तो फर्स्ट नंबर का जो पॉइंट है ये अपने को याद रखना है, जैसा हमारे एग्जाम में या कहीं पे भी लिखा हुआ ऐसा आ जाए तो भैया ये जो हमारे पास सेट है
इस सेट का ये मेंबर्स है। तो हमें घबराना नहीं है, जैसे अभी तो हमने क्या करा था, हमारे पास जो डेफिनेशन अभी पढ़ी थी हमने, उस डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो लेकिन अब बोला सर ये तो ऑब्जेक्ट से ही नहीं, ये तो मेंबर लिखा हुआ आ गया। तो मेंबर, ऑब्जेक्ट, एलिमेंट और जो हमारे पास कंपोनेंट, ये चारों क्या चीज है, एक ही चीज है, ठीक है। तो इतनी चीज हमें याद रखनी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब तो सेकंड नंबर का जो पॉइंट है वो इस प्रकार से होगा, अ सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट सच एज ए बी सी एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये हमारे पास जो भी है सेट जो है, सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे, डिनोट करेंगे, कैसे करें, कौन से किससे करेंगे, इंग्लिश के जो अल्फाबेट है उसमें जो कैपिटल लेटर्स होते हैं, जैसे कि ए, ठीक है, डी, सी, इनके द्वारा हम क्या करेंगे, इनको डिनोट करेंगे। तो ये ए जो है हमारे पास सेट है, ठीक है, ये हमारे समझ में आ जाएगी बात, है ना। तो ये जो ए है ना, बी और सी, ये जो कैपिटल लेटर के द्वारा हम क्या करेंगे, कोई भी हमारे पास जो सेट है उसको रिप्रेजेंट करेंगे, डिनोट करेंगे, ठीक है। तो बेटा यहां पर जो थर्ड पॉइंट है वो इस प्रकार से रहेगा, क्या है हमारे पास, द एलिमेंट ऑफ द सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय लोअर केस लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट सच एज ए बी सी एक्स वाई जेड, ठीक है। अर्थात हमारे पास जो है कि कोई भी जो हमारे पास सेट है, ठीक है, उसके जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स बोले अपन, ऑब्जेक्ट बोले, मेंबर बोले या कंपोनेंट बोले, ठीक है, ये जो है ये किसके द्वारा रिप्रेजेंट किए जाएंगे, स्मॉल लेटर के द्वारा, ठीक है, कैपिटल लेटर के द्वारा हम क्या कर रहे थे, सेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। और जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स भी इसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे अपन, ए बी सी, है ना, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये चीज हमें यहाँ पर क्लियर हो गई है, अभी मैं और अच्छे से इसको यहाँ पर बता दूंगा, समझा दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो स्टूडेंट जो हमारे पास फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, द कंपोनेंट्स, ठीक है, ए कंपोनेंट या एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट या मेंबर ऑफ द सेट आर रिटन इन द कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स क्या होते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स बताया था मैंने आपको, ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट्स कैसे बनते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे सीख जाओगे ऐसे बनाना, ठीक है। तो ये जो है कर्ली ब्रैकेट, इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्या करते हैं, हम इनको रखते हैं, किनको रखते हैं, मेंबर्स को, ठीक है, या कंपोनेंट्स को, ठीक है, वो कहां रखते हैं, इस ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल मैं यहां पर बना के बता देता हूं। तो देखिए जो हमारे पास है सेट, सेट को हम क्या करते हैं, कैपिटल ए के द्वारा डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसके जो मेंबर्स होते हैं, सपोज मान लो हमारे पास 1 2 3 4 5, ठीक है, ये ब्रैकेट्स क्लोज, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, इस कर्ली ब्रैकेट को हम क्या करते हैं, कभी सभी बोलते हैं सेट ब्रैकेट्स, ठीक है, इस कर्ली ब्रैकेट को हम क्या करते हैं, कभी सभी ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है ना, कर्ली ब्रैकेट, ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसको कभी सभी हम सेट ब्रैकेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ए के द्वारा हम यहाँ पर उसको दर्शा रहे हैं, ठीक है, ये जो हमारे पास सेकंड वाला जो है, उसके बाद है एलिमेंट्स ऑफ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय लोअर केस, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमारे पास कोई लोअर केस का काम ही नहीं आया, एक काम करते हैं लिख लेते हैं, ये नया बना लेते हैं, ये बी, ठीक है, ठीक है, सेट बी, ठीक है। सपोज सेट बी इज अ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, तो ये हमने क्या करा, इसको लोअर केस में बताया, क्या एलिमेंट, एलिमेंट किसमें लिखते हैं अपन, स्मॉल लेटर में लिखेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, किसमें उसको क्या बोल सकते हैं हम, लोअर केस, ठीक है। तो ए ई आई ओ यू, ये हमारे पास लोअर केस में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट हमको करना है, क्या बता दिया अपन ने, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा, ठीक है,
कि एलिमेंट्स ये जो 1, 2, 3, 4, 5 इनको हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं, कंपोनेंट भी बोल सकते हैं और मेंबर भी बोल सकते हैं। तो ये चारों नाम इसमें चार में से कुछ भी बोल दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एक तो ये हमारे फर्स्ट पॉइंट हमें समझ में आ गया है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है कि ए असेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट सच एज ए बी सी। ठीक है, तो ये ए के द्वारा हमने ये दर्शाया यहाँ पर है ना, प्रदर्शित करा है, ये बी बी के द्वारा इसको प्रदर्शित करा है। ठीक है, रिप्रेजेंट करा है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये कैपिटल लेटर है, ये बी कैपिटल लेटर है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट था हमारे पास, तो थर्ड पॉइंट क्या था कि द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय लोअर लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, तो जो भी एलिमेंट्स है ना, वो लोअर केस के द्वारा करेंगे हम, जहां पे आवश्यकता है वहां पर लोअर केस के द्वारा हो जाएगा। यहाँ पे तो कोई 1, 2, 3, 4 ये कार्यक्रम कोई लोअर होता ही नहीं है इसमें कुछ, है ना। हाँ, तो प्यारे छात्रों नेक्स्ट हम देखने वाले हैं क्या, सपोज ए इज अ सेट एंड द ए कॉमा बी आर टू एलिमेंट ऑफ दिस सेट देन वी कैन राइट। ठीक है, तो सबसे पहले तो सपोज मान लेते हैं हमारे पास क्या है, ए कोई हमारे पास सेट है। ठीक है ना, सेट को हम कैपिटल लेटर द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इक्वल में उसके बाद वो हमको बोल रहा है कि यहाँ पर ए कॉमा बी, ए और बी जो है वो क्या है, इसके कोई दो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, एलिमेंट मेंबर या कंपोनेंट्स कुछ भी बोल लो। ठीक है, ये ए कॉमा बी हमारे पास क्या है, दो इसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये तो ये लिखा हुआ है अपन ने, इसको रिप्रेजेंट कर दिया। हाँ, यहाँ पर से ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है, ए जो है वो क्या है, बिलोंग कर रहा है इसको कैपिटल ए को। ठीक है, अर्थात हम इसको इस प्रकार भी पढ़ सकते हैं कि ए इज अ मेंबर ऑफ ए कैपिटल ए। ठीक है, स्मॉल ए इज अ मेंबर ऑफ कैपिटल ए। ठीक है, इसको इस प्रकार भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, ए इज belongs to A belongs to capital A। ठीक है, और जैसे यहां पर लिख सकते हैं अपन B belongs to A, तो यहां लिख सकते हैं हम इसको B is belongs to A। ठीक है, तो ये चीज हमको यहाँ पर समझ में आ रही है। ठीक है, ये जो ये हमारे पास जो ई बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन, ये जो हमारे पास साइन बना हुआ है इसको हम बोलते हैं क्या, एप्सिलॉन। ठीक है, ये जो हमारे पास साइन बना हुआ है ये है ना, इस साइन को हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन पढ़ते हैं या एप्सिलॉन बोलते हैं। ठीक है, अब सपोज मान लो यहाँ पर कोई अन्य एलिमेंट हम बता रहे हैं सी। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये सी इसमें है क्या, नहीं है, ठीक ना। तो जब नहीं है तो उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये एप्सिलॉन को हम क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। ठीक है, काट देंगे, है ना, सीधा नहीं काटना है हमको, एकदम सीधा नहीं काटना, थोड़ा सा तिरछा काटेंगे इस प्रकार से, ये इस प्रकार से थोड़ा तिरछा काटेंगे। ठीक है, ये ए, अब इसको पढ़ेंगे क्या, अब इसको पढ़ेंगे सी इज नॉट बिलोंग्स टू ए, सी इज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसको हम पढ़ेंगे बेटा सी इज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो आशा करता हूं ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो हिस्सा है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, हिंदी में हम इसको बोलते हैं ए जो है कैपिटल ए का अवयव है, बी कैपिटल ए का अवयव है और सी कैपिटल ए का अवयव नहीं है। ठीक है, ये हिंदी में बोल सकते हैं, है ना। तो ये तो आपको यहां पर तक समझ में आ चुकी होगी बात। ठीक है,
चाहे तो इसको कॉपी में नोट करें। तो चलिए बच्चों, अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, ये जो सेट्स हैं, ठीक है, इनको कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, है ना, कैसे लिखा जाता है, उसके हमारे पास दो मेथड्स हैं, वो दोनों ही मेथड्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जो फर्स्ट मेथड है हमारे पास, ठीक है, वो क्या है, लिस्टिंग मेथड, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड, ठीक है। तो ये जो लिस्टिंग मेथड है और ये जो रोस्टर मेथड है, ये क्या होती है वो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है, क्या होती है वो, इन दिस मेथड वी लिस्ट डाउन ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट इनसाइड कर्ली ब्रैकेट, ईच ऑफ द एलिमेंट्स इज रिटन ओनली वंस एंड सेपरेटेड बाय कॉमास, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। क्या होता है बेटा कि जो भी अगर हमको इसमें क्या करना है, कोई भी सेट अगर अपन मान लो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई सेट हम यहाँ पर लिख रहे हैं, तो उस सेट को लिखते के लिए हम क्या करेंगे, क्या उसे हम क्या कर लेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स में उसको लिखेंगे, और उस सेट में जो जितने भी एलिमेंट्स हैं या जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उन सबको लिख देते हैं और बीच में कॉमा लगाते जाते हैं, ठीक है, कॉमा लगाते जाते हैं। कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं, क्या कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटर्स वर्ल्ड मैथमेटिक्स, ठीक है, वर्ल्ड मैथमेटिक्स, ठीक है, इसका हमें क्या करना है, कलेक्शन करना है, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ लेटर्स वर्ल्ड मैथमेटिक्स, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो भी लेटर्स हैं उनका कलेक्शन है इसका, जो मैथमेटिक्स है, ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना है, सपोज मान लेते हैं वो जो सेट है उसको हम ऐसे डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, ऐसे डिनोट कर देते हैं, है ना। और ये जो है हमारे पास उसको हम क्या करना है, इसके अनुसार ये जो हमारे पास नियम है लिस्टिंग मेथड, इस लिस्टिंग मेथड के अनुसार क्या होना चाहिए बेटा, हमें लिस्ट डाउन करना है, अर्थात सबको लिखना है, ठीक है ना। तो लिस्ट डाउन करना है या लिखना है, तो हमको ये इसमें सब लिखना है ना। तो दूसरे बात को क्या बोल रहा है, ईच ऑफ द एलिमेंट्स इज रिटन ओनली वंस, ठीक है, ये वाला सब ध्यान देना है। हमको क्या करना है, ये जितने भी वर्ड्स हैं इसमें, ठीक है, सॉरी जितने भी लेटर हैं इसमें, उनमें से केवल एक ही वर्ड जो है एक बार लेना है ना, दो बार नहीं लेना। जैसे यहाँ पर मान एम जो है टू टाइम्स आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो एम है वो क्या आ रहा है, टू टाइम्स आ रहा है, ये आ रहा है वन और ये आ रहा है टू, लेकिन हमको लेना कितनी बार ही है, एक ही बार लेना है। ए भी हमारे पास क्या आ रहा है, टू टाइम्स आ रहा है, ठीक है, हमको सिर्फ एक ही बार लिखना है ना। बी राइट इट ओनली वंस, ठीक है, और क्या है दूसरा जो नियम है उसमें हमको देखना क्या, हो गया शांति, ठीक है। तो जो सेकंड जो हमारे पास है नियम, उसमें क्या करना है कि ये जो सेपरेट है सेपरेट करेंगे किसके द्वारा, यहाँ पे कॉमास के द्वारा, तो कॉमास लगाएंगे अपन, है ना। तो लिख लेते हैं, तो सबसे पहले जो हमारे पास है एम, इसको लिख दिया अपन ने, फिर लगाया कॉमा, है ना, ए लिख दिया अपन ने, फिर लगाया कॉमा, फिर आया टी, ये टी लिख दिया अपन ने, फिर लगाया कॉमा, फिर आया एच, ये एच लगाया अपन ने कॉमा, फिर एच के बाद हमारे पास ई लिखा हमने, फिर लगाया कॉमा, ई के बाद फिर आया एम, एम लिखेंगे नियम, क्यों एक बार पहले लिख चुके हैं, और ये जो नियम है इसमें अनुसार क्या बोल रहा है कि ओनली वंस, ठीक है, रिटर्न ओनली वंस, एक बार लिखना है सिर्फ हमको, ये लिख दिया अपन ने, है ना। ए भी नहीं लिखेंगे अपन, ये वाला जो टी है इस टी को भी नहीं लिखेंगे अपन, ठीक है। चाहे तो आप भी क्या करें, अपनी पेंसिल से थोड़ा सा उसको बिंदु लगा लें ताकि उसको डबल से ना लिखाएं, है ना, ठीक है। ये तो मेथड है, बाकी हमको समझ में आ ही जाएगा जितने समय, तो ठीक है। ये ई है ना, ई हमने लिख दिया है, एम लिखना नहीं, ए लिखना नहीं, टी लिखना नहीं, आई लिख सकते हैं हम, आई लिखना है हमको, लिख सकते हैं क्या, लिखना ही है अपने को। उसके बाद सी अपन ने एक बार भी नहीं लिखा, लिख देते हैं एस, ये तो अपन ने एक बार भी नहीं लिखा, इसमें लिखा हुआ है, लिख रहा है या नहीं लिख रहा, एस, तो ये एस लिखेंगे,
उसके बाद क्या कर लेंगे, कर्ली ब्रैकेट से इसको क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं, है ना। तो ये जो हमारे पास मैथमेटिक्स जो है उसके जो लेटर्स हैं उसको अपन ने यहाँ पर लिख दिया है। तो ये वाला जो नियम है मेरे को लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बेटा एक काम करें, आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें, है ना, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो है ना तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ में जो बेल आइकोन है उसको प्रेस कर दें, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास जो था फर्स्ट जो मेथड है हमारे पास डिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड भी हमने यहाँ पर कर ली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेकंड मेथड है उसको करने जाते हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर जो सेकंड मेथड है, ठीक है, वो इस प्रकार है, क्या रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है और रूल मेथड क्या होता है, इसमें कोई स्टेटमेंट हम क्या करते हैं बनाते हैं, है ना, और वो जो स्टेटमेंट है वो जो हमारे पास जो सेट है उस सेट के प्रत्येक मेंबर के लिए क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। अर्थात जो स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं, है ना, उस स्टेटमेंट को हर एलिमेंट जो कि उस सेट का जो एलिमेंट है उसको क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, और इसको हम वर्ड्स में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको क्या सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, इज अ नोटेशन फॉर डिस्क्राइबिंग अ सेट बाय इंडिकेटिंग द प्रॉपर्टीज दैट इट्स मेंबर मस्ट सेटिस्फाई, ठीक है। तो ऐसे कोई भी स्टेटमेंट हम बोलेंगे, ठीक है, और जो मेंबर्स की जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, उसको सेटिस्फाई करें। चलिए हम एक काम करते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, क्या a इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ लेटर इन वर्ड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये जो मैथमेटिक्स है इसको अपन ने इस प्रकार से लिख दिया है, ठीक है। और इसको पढ़ेंगे कैसे हम, इसको पढ़ने का तरीका है, a इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ लेटर इन वर्ड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए हम एक काम करते हैं, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके देख लेंगे, है ना, इसको पढ़ते कैसे हैं वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो चलिए बेटा इसको कैसे पढ़ेंगे हम, ठीक है, a इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज लेटर इन द वर्ल्ड मैथमेटिक्स, ठीक है। अब इसको हम अगर रोस्टर फॉर्म में लिखते तो इस प्रकार से लिखते बेटा, अपने को मालूम है a इज इक्वल टू, ठीक है, करली ब्रैकेट, ये भी करली ब्रैकेट में बंद करना है कोई स्टेटमेंट अपने को, है ना, और उसमें देखना है कि जो एलिमेंट है वो इस स्टेटमेंट को क्या करें पूरी की तरह से फॉलो करें, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, रोस्टर फॉर्म में हम इसको लिखते हैं, जो मैथमेटिक्स था वो अपने लिख चुके थे, क्या ए दूसरा नंबर पे ए, ठीक है, अभी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और ये टी एच, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर सब कैपिटल में लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं कैपिटल में, क्योंकि हमको यहाँ पर क्वेश्चन में, ठीक है, यही कैपिटल में है। जब भी अभी जब हमने पढ़ा था तो हमने एक बार क्या पढ़ा था, रोस्टर फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास बीच में उन एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं स्मॉल लेटर में लिखते हैं, है ना, ठीक है, या लोअर केस में लिखते हैं। तो यहाँ पर आप कैपिटल लेटर में क्यों लिख रहे हो ऐसा आपके मन में विचार आ सकता है। तो ध्यान दीजिए बेटा, जब हमको डेई कैपिटल लेटर में रखा हो क्वेश्चन, ठीक है, तो हम उसको कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये मैथमेटिक्स जो है ये कैपिटल लेटर में हमको दे रखा है, तो इसके जो एलिमेंट्स हैं, इसके जो हमारे पास लेटर है, ठीक है, उन लेटर को भी हम क्या करेंगे कैपिटल लेटर में ही यहाँ पर लिखने वाले हैं, ठीक है। तो क्या मैथमेटिक्स के सब देखो एम ए टी एच आ गया हमारे पास, कॉमा ई आ गया हमारे पास, उसके बाद एम, एम लिखेंगे नहीं क्योंकि रिपीट हो जाएगा वो, उसके बाद ए लिखेंगे नहीं हम रिपीट हो जाएगा वो, टी लिखेंगे नहीं हम वो रिपीट हो जाएगा, आई आई लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद सी लिखेंगे, उसके बाद एस लिखेंगे, ठीक है। ये इस प्रकार से हो जाएगा कि रोस्टर फॉर्म हो गया आपका, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य कि ये जो दोनों फॉर्म है यहाँ पर देख लीजिए, इसमें जो हमारे पास लिखा हुआ है क्या एक्स, ठीक है, सच देट एक्स इज अ लेटर इन वर्ल्ड मैथमेटिक्स,
ठीक है। और इसी को हम क्या करते हैं, इस प्रकार से जो हो सकता है कि वर्ड में बना हुआ है और ये जो हमारे पास जो है ये नंबर्स में बना हुआ है, ठीक है ना। इस प्रकार भी आप समझ सकते हैं कि जो ये रोस्टर फॉर्म है जो क्या होगा, ये नंबर्स में होगा है ना, या लेटर्स में होगा, ठीक है। और जो हमारे पास की जो है क्या सेट बिल्डर फॉर्म है ना, ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ होगा, ठीक है। इसको इस प्रकार से भी हम हल्के से समझ सकते हैं, ये स्टेटमेंट में लिखा होगा और ये जो है एलिमेंट्स में, एक एक एलिमेंट्स इसका अलग अलग होगा, जबकि इसमें जो एलिमेंट्स होगा वो क्या करेगा, उस स्टेटमेंट को जो रूल है उसको फॉलो करेगा, ठीक है। तो आशा करता हूं मैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो सेट का जो पार्ट हमको पढ़ना था एक्सरसाइज 1.1 के लिए, वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अभी मैं एक बार बोलता हूँ, आप भी इसे चाहे तो इसे नोट कर लीजिए। दोनों ही फॉर्म जो है ना, ये दोनों जो मेथड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और 1.1 का जो क्वेश्चन है वो इन्हीं पर आधारित है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वाला जो पार्ट है पूरा सेट का वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बेटा इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ में वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और बेल आइकॉन जो है उसको प्रेस करना ना भूलें, बेल आइकॉन जरूर दबा दें है ना, नोटिफिकेशन वाली जो घंटी है उसको दबा दें, घंटी बजा दें, ठीक है। धन्यवाद बेटा, थैंक यू।